रोडीज 8 में चंडीगढ़ के बाद बारी आई दिल्ली ऑडिशंस की। दिल वालों के शहर में जिगर वालों की खोज जारी है। So this is a group discussion room. यहाँ पे आपको एक टॉपिक दूंगा मैं और आपको 10 मिनट दिया जाएगा। अगर आप हमारे नोटिस में आते हैं तो आप सेकंड राउंड ऑफ ऑडिशन रघु, राजीव और रणविजय के पास जाएंगे। ये कन्वर्सेशन हिंदी में होगा, ये शो हिंदी में है। आप लोग का रिजल्ट बाहर कोई लिस्ट नहीं लगने वाली, आपको फोन आ जाएगा, तो आप जैसे ही यहाँ से निकलते हैं आप घर जा सकते हैं, आपको यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। आपका टॉपिक ये है कि लड़के फ्लर्ट करें तो ठीक है और लड़कियाँ फ्लर्ट करें तो प्रॉब्लम है। And your time starts now. अरे लड़कियाँ फ्लर्ट क्यों नहीं करेंगी? अगर लड़के फ्लर्ट करेंगे तो लड़कियाँ क्यों नहीं करेंगी? कहीं ना कहीं मेंटली साइकोलॉजी का जंग में रहते हैं। शादी के बाद फ्लर्ट करेगा? वो बोल रहे थे कि चिल आउट करो, एटलीस्ट तरीके से बात तो करो, लेकिन कोई बात करने को राजी नहीं हो रहा। ग्रुप डिस्कशन में कंटेस्टेंट्स अपने अपने व्यूज मनवाने पे तुले हैं, चाहे वो मुद्दे पे हो या ना हो। ठीक है, आप बिल्कुल समझ में नहीं आया यार, क्या बोल रहे हो? अरे हम तो ऊपर ही नहीं उठ रहे, तुम नीचे जाने का सवाल ही नहीं उठता। अरे वो तो लड़कियां थी, वो बोल रही थी सब कुछ लड़कियां कर सकती हैं। मेरी लड़कियां कर सकती हैं तो मैंने कि लड़के उससे ज्यादा कर सकते हैं और लड़कियां कुछ कर नहीं सकती हैं। हर कंटेस्टेंट ग्रुप में अपने आप को स्टैंड आउट करने की कोशिश में लगा है। मम्मा कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप में सच रहो, खुद से सच बोलो, जिससे भी बोलना चाहते हो सच बोलो, एवरीथिंग अराउंड फाइन। तो मैं सिर्फ सच बोलना चाहूँगा। द थिंग इज कि लाइफ में टैलेंटेड बहुत रहा हूँ अभी तक, भगवान कृपा से। क्रिकेटर, एक्टर, डांसर, फुटबॉलर, बैडमिंटन, देन रैप किया, मिमिक्री करी है, स्क्रिप्ट राइटिंग करी है, लिरिक्स लिखे हैं। मैं रैपिंग की बात कर रहे थे आप, मैं सुनना चाहूँगा। ओके, एक गल जड़ी मैनू पता नहीं, ओ कुड़ी कानू मेरे ते फिदा नहीं, हसती हसादी नाले मैनू भी हसांदी, रोज नवे नवे मैनू ख्वाब दिखांदी, कहंदी गल सुन ले वे यारा, तेरा मेरा इश्क है सदियों पुराना, तू है मेरी जान मैं तेरे जान, आजा आजा मेरी जान, मेरे दिल च समा, मेरा नाम हर्षित गलिया चगेड़ा, रबाज तेरा मैं दिलो शुकरा करदा, ताही ता तेरा पुत्ते MTV उत्ते सजदा। तू ये बता, तूने ये लैंग्वेज कहां से उठाई है? ऑब्वियस है, पर चलो पूछते। ओके, माइक की स्पेलिंग क्या होती है? माइक एक्चुअली इट्स MY, बट मैं यूज करता हूं MAH। मा, I ain't no black, I ain't no white, I don't fear any war or fight. Man fear is it. I punch it. तेरा नाम हर्षित? अच्छा है, हर्षित है तेरा नाम? नहीं, ये जैसे MY को MAH लिखता है ना, वैसे हम हर्षित को हर्षित बुलाते हैं। I won't sacrifice my self-respect for a small issue. That's very wannabe. I hope you know that. आपने किसी के साथ इंटरनेट पे फ्लर्ट किया है? हा हा हा, आई डोंट नो, इट्स बाय गॉड ग्रेस, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी आई डिड अ लॉट एंड डोंट नो हाउ, बट आई सक्सीडेड एवरी टाइम। एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, द थिंग इज कि मैं प्रोफाइल चेक करता हूँ पीपल किसी की, मुझे किसी बंदी की पिक पसंद आई, मेरा पहला मैसेज आता है नाइस क्लिक, ऑब्वियसली बात है रिप्लाई आएगा थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। आई यूज्ड टू से कि हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ शेक्सपियर, तो ऑब्वियसली बात है गलत कहते हैं, या मींस ऑब्वियसली एवरीवन डिड। तो कहता हूँ सो हाउ डू यू फील आफ्टर प्रूविंग रॉन्ग, तो कहेगी कि मींस आई डिडंट गॉट यू, मींस शेक्सपियर सेड दैट नथिंग कैन बी मोर ब्यूटीफुल देन मून, बट यू प्रूव्ड हिम रॉन्ग। ये भी हंस लीजिए। इट्स ट्रैजिक। ओके, मैंने फेसबुक पे काफ़ी चीज़ ट्राई करी, अभी तक सक्सेस रहा हूँ। मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मैंने फेसबुक पे इम्प्रेस करी थी एंड शायद साइकोलॉजी से ही करने की कोशिश की थी। शी इज डैम ब्यूटीफुल, मेरे से तो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो शायद उसके सामने गोलगप्पे वाला लगता हूँ, सही बोलूँ तो। क्या लगता है? गोलगप्पे वाला। बिल्कुल फ्रैंक बोल रहा हूँ। आज तक मिला? हाँ हाँ, मिल चुका हूँ मैं। दो बार वो देख चुके तेरे को? हाँ हाँ, देख चुकी है। कितनी बार मिला तुझसे? हाँ वैसे दो बार मिला हूँ, बट आई नो दो बार मिला। और तेरी गर्लफ्रेंड है वो? हाँ, बिकॉज आई थिंक शी लव्स मी। दो बार मिल चुकी है, ऐसी क्या बात है? This is what your opinion of yourself as a superstar is based on. Color push. Cheesy. Okay. Pickup lines. Because you've had it easy with stupid girls, with cliched lines, which really stink the place up. I don't think so. I know you don't think so, Arshit. You don't know any better. You don't.
तेरे बस की एक नया लड़की आ जाए तेरे पास. ऐसा नहीं था. नहीं नहीं ऐसा नहीं था. I got my first girlfriend when I was 6. I got my second girlfriend when I was in 10. I got some internet भी नहीं था. What a superstar you are. Shut up, listen to me. इंटरनेट आ गया. इसने पेलना शुरू कर दिया घटिया लाइंस. ओके. यू आर द मून, यू आर द स्टार. इसने इन्वेंट किया बाय द वे, बता रहा मैं. हां ये तो किया है. ठीक है. एक गर्लफ्रेंड गलती से बन गई उसकी. अच्छा. उसे दो बार मिलाई. दो बार. और अपने आप को उसका बॉयफ्रेंड मानता है. ओके. लूजर नंबर 1. कहता है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने कोई लाइन मारा और बंदी पटी ना. मेरे को नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा. मैंने मेरे को लगता है नहीं वो लड़के हैं. मेरे को लगता है वो लड़के हैं. ओके. इसके आगे और लिखा आपने. आई नो आई एम सेंट बाय गॉड फॉर समथिंग स्पेशल. मुझे भगवान ने किसी स्पेशल पर्पस से भेजा है. क्या है वो पर्पस? मेरा पर्पस यही है कि मैं बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करूं. ये स्पेशल पर्पस है. तू यूनिक आदमी है ना. तू बहुत ही यूनिक इंसान है. मैं ये नहीं कह रहा. यू डिजर्व स्पेशल. ये स्पेशल भगवान ने तुम्हें बनाया. तुम ये मेरा मानना है. मेरा बाथरूम साफ करने भेजा तेरे को पता है? आई वांट एग्री. दैट्स अ बिकॉज़ माय इट इज स्पेशल. तेरे जो पिकअप लाइंस है ना, माय स्मेल्स बेटर देन दैट. ओके. या सो डोंट लाफ एट दैट. आई प्रेफर माय टू यू टू हर शिट. ओके. या टू एनी. Tera, your actual divine purpose is to clean my room. I won't agree. Okay. You can your agreement, man. Uska next sentence hai aapka, mera direct contact hai. गॉड से भगवान के साथ तेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है. एक सेकंड. कोई इंसान भगवान पे अगर बिलीव करता है तो इसमें गलत नहीं है. मुझे जो भी ठीक है, मेरे सोल के अंदर से आवाज आती है, ऊपर से आवाज आती है, जो भी है मैं मानता हूँ भगवान का आंसर. ये तू रैपिंग क्यों कर रहा है बाय द वे? ये करते हुए ये रैपिंग क्यों कर रहा है? रैपिंग नहीं कर रहा मैं. ये रैपिंग है. मतलब तेरे सोल से आवाज आती है, जो भी आवाज आती है तेरे को भगवान की आवाज लगती है? नहीं, वो सोल से. तेरे कभी ये आवाज सुने? चुप रह. नहीं ऐसे नहीं. ऐसी आवाज सुनिए. नहीं ऐसी नहीं. फिर भगवान के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है. ओके. I'm really bored of meeting losers like you, man. तेरा नाम क्या है? जसप्रीत सिंह टक्कर. कबीर कौन है? कबीर कौन है? सर पटने में. हाँ जी कबीर, कैसा लग रहा है? अच्छा है सर. 3 साल हो गए ट्राई करते हुए. आज फर्स्ट टाइम आपको फेस टू फेस PI में. यानी अब तू इतना डरा हुआ है कि कुछ भी हो सही चीज बोलनी है, जो हमें सुनना पसंद आएगा वही बोलना है, क्योंकि ये मौका शायद फिर ना मिले. करेक्ट है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है. मौका क्यों नहीं मिलेगा? मैं वैसे तो मेरे ख्याल से मेरे को आई हैव एवरीथिंग टू बी अ रोडी. आई हैव गॉट एवरीथिंग इन मी दैट आई शुड बी अ रोडी. और मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है. मैं एज अ टीम प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ. ग्रेट परफॉर्मर हूँ. कौन से टीम को लीड किया आपने? सर मैं ट्रेनिस टीम का कैप्टन था, लॉन टेनिस टीम का अपने कॉलेज में. इंडिविजुअल स्पोर्ट की टीम के कैप्टन. इंडिविजुअल स्पोर्ट था ना? नहीं सर वो एक्चुअली हमारे यहाँ ऐसे होता है, टीम प्लेयर होता है. सब क्या होता है? आई एम द कम्प्लीट पैकेज दैट यू आर लुकिंग फॉर. बता दे भाई हम क्या क्या ढूंढ रहे हैं तेरे अंदर और दिखा दे हमें और फिर तेरे को सिलेक्ट कर देते हैं. बिल्कुल. और तू ये बता दे कौन से टास्क कर रहे हैं, क्योंकि तुझे सब कुछ पता है. यू आर द कम्प्लीट पैकेज. सर जितने भी अभी तक आपने जितने टास्क मैंने अभी तक रोडीज में देखे हैं, मेरे को टास्क ये होते ना एथलीट्स के पास चले जाते. बिल्कुल. और उनसे करवा लेते और बहुत सही करते हो. अवतार को उसकी जगह दिखाने के लिए री ऑडिशन करने का फैसला लिया. मैं बता दूं तुझे वापस क्यों बुलाया. मुझे सडनली तू याद आ गया. तू मेरे से आज से 2-3 साल पहले मिला. 3 साल पहले मेरी एक प्रोड्यूसर थी जुल्फिया, उससे तूने बदतमीजी की थी. कितने भी मेरे को ऑडिशन देने दे दियो, मेरी टीम पे जितने चिल्लाएगा ना. भैया मैंने चिल्लाया नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं आपके लिए आया. मैं सॉरी मैडम. हाथ जोड़ के आराम से बात कर. कोई एहसान नहीं करना. आप तूने पैदल चल वो बात सुन मेरे सिस्टर की. आवाज नीचे कर. सिस्टर जैसे मुंह बंद कर. मैं बात कर उनसे. ये लो बंद कर दिया ना. तूने पैदल चल के मेरे पे एहसान किया? नहीं मैंने किया ही नहीं. ना दोबारा आके एहसान करेगा? नहीं किया मैंने. ना इनके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग के तू मुझ पे एहसान कर रहा? मैं कर नहीं रहा. मैंने गलती की, मैं इसलिए मांग रहा हूं. मैंने तेरे को गेट आउट कर दिया था. मुझे याद है. अभी सिद्धार्थ से पंगे ले. तूने तेरे को रोडीज के टीम से पंगे लेने. प्रॉब्लम क्या है तेरी? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से. मेरी टीम को तू क्यों उंगल करता है? भैया मैं कब करता हूं? मेरे को ये चीज समझ. मैं आपको बोल रहा हूं मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस है. मेरे को समझ लगती. मैं इसको कॉन्फिडेंस पे कैसे लाऊं? मेरा दिमाग चलता नहीं है बिल्कुल. मेरे सच में दिमाग नहीं चलता इस चीज से. हां जी पंगे ले. का नहीं भैया लूंगा मैं पंगे. मैं बात नहीं लेता. मेरा दिमाग खराब हो गया. मेरे को सच में समझ नहीं लग रही. मेरे को सच में समझ नहीं लग रही. कामया दादा है तू? नहीं भैया. कामया Let's see how tough you are now. नहीं भैया मैं सच बोल रहा हूँ. ओवर कॉन्फिडेंट हूँ. मैं ओवर कॉन्फिडेंट. हमारे बंदों से क्यों पंगे लेता यार? नहीं भैया मैं ओवर कॉन्फिडेंट होगा. तू एक बार तेरे बाहर गेट आउट कर चुका हूँ. भैया मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ. मेरे को अभी भी समय लग रही. मैं कॉन्फिडेंस पे कैसे आऊँ? मेरे को समय लग रही. वाकई नहीं समय लग रही. तेरे को ना जिस दिन वो MTV का बार मिलेगा ना सिद्धार्थ को. हाँ जी तेरे को इतना सुझा देगा ना मार मार के.